हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू बिंस बायोलॉजी इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कस अबाउट टॉप टेन क्वेश्चन फ्रॉम सी सो ट्रेटा सो एंड वॉच दिस वीडियो टिल लिट्स सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन पॉलीमॉर्फिज्म इज सीन इन बहुरूपता देखी जाती है इसके लिए ऑप्शन ए है इकाइनोडर्मेटा ऑप्शन बी आलथ्रोफोडा ऑप्शन सी एनिलीडा एंड ऑप्शन डी सी डेटा ये क्वेश्चन डिजिटी बोलोजी दो हजार में पूछा गया था तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सी डेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू मेटाजेनेसिस अकर्स इन मेटाजेनेसिस पाया जाता है इसके लिए ऑप्शन ए है ट्यूबीपोरा ऑप्शन बी अरूलिया ऑप्शन सी ओबिलिया एंड ऑप्शन डी हाइड्रा ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया था तो चलिए इसका आंसर बताइए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओबीलिया ओबीलिया में मेटाजेंसिस पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री कॉमन नेम ऑफ फंजिया ईज फंजिया का साधारण नाम है इसके लिए ऑप्शन ए है ऑर्गन पाइप कोरल ऑप्शन बी ब्रेन कोरल ऑप्शन सी रेड कोरल एंड ऑप्शन डी मशरूम कोरल ये क्वेश्चन एजिटीबालोजी दो में पूछा गया तो चलिए इसका आंसर बताइए अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मशरूम कोरल फंजिया को मशरूम कोरल भी कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन मेंबर्स ऑफ क्लास मेटाजेंसिस किस वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलती है इसके लिए ऑप्शन ए है एंथोजोआ ऑप्शन बी हाइड्रोजोआ ऑप्शन सी स्काइफोजोवन एंड ऑप्शन डी आल ऑफ दीज ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया था तो चलिए इसका सही आंसर बताइए आप लोग क्या होगा चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजुआ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव इफारल आरवा इज फाउंड इन लाइफ साइकिल ऑफ इफारल आरवा किसके जीवन चक्र में पाया जाता है इसके लिए ऑप्शन ए है एडम्सिया। ऑप्शन बी फाइसेलिया ऑप्शन सी ओबीलिया एंड ऑप्शन डी यह क्वेश्चन डिजिटी बायोलॉजी 2010 में पूछा गया था तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अरुलिया अरुलिया में इफारा लारोफ पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स प्लेनला इज ए स्टेज ऑफ प्लेनला किसका लारोल स्टेज होता है इसके लिए ऑप्शन ए है हरुलिया, ऑप्शन बी फाइसेलिया ऑप्शन सी होबीलिया एंड ऑप्शन डी एडेमसिया ये क्वेश्चन यूपीएससी 2013 में पूछा गया था तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओबीलिया ओबीलिया में प्लेनुला लार्वा पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन विच आर फॉलोइंग इज नॉट ए कोरल इनमें से कौन एक कोरल नहीं है इसके लिए ऑप्शन ए है साइनिया ऑप्शन बी ओक्यूलिना ऑप्शन सी ट्यूबीपोरा एंड ऑप्शन डी पिनेचुला ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया था चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साइनिया साइनिया में कोरल रीफ नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट कोरल रीफ्स आर फॉर्मड बाय कोरल चट्टाने कौन से जंतु बनाते हैं इसके लिए ऑप्शन ए है सीलेंट्रेटा ऑप्शन बी प्रोटोजोवंस ऑप्शन सी इकाइनोडम्स एंड ऑप्शन डी मोलस्क ये क्वेश्चन डिजिटीबाइलॉजी बायोलॉजी 2002 में पूछा गया था तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीलट्रेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन रीजेनरेशन इन हाइड्रा आकर्स बाई हाइड्रा में पुनर्जनन होता है इसके लिए ऑप्शन ए है इपीमार्फोसिस एंड मार्फोजेनेसिस। ऑप्शन बी मार्फोलैक्सिस ऑप्शन सी मार्फोजेनेसिस एंड ऑप्शन डी इपीमार्फोसिस क्वेश्चन डिजिटी बायोलॉजी 2010 में पूछा गया था तो चलिए इसका सही आंसर बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मार्फोलैक्सिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा इज ऑफ हाइड्रा में शारीरिक संगठन होता है इसके लिए ऑप्शन ए है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑप्शन बी सेलुलर ग्रेड ऑप्शन सी ऑर्गन ग्रेड एंड ऑप्शन डी टिशू ग्रेड ये क्वेश्चन डिजिटीबाइलॉजी दो 2009 में पूछा गया था तो चलिए इसका सही आंसर बताइए आप लोग क्या होगा चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टिश्यू ग्रेड हाइड्रा में शिशु लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए कमेंट्स करिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर करिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद